करोगे उसमें कर लो।
अपने आप बताओ। हाँ भाई मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक, एक बार चेक करिएगा। यस सर, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या, एक बार चेक करिएगा। पहुंच रही है ना? यस सर। पहुंच रही है ना? सुनो ठीक है, ये जनता कौन सी है, मैकेनिकल वाली या केमिकल वाली? किस ब्रांच से आप लोग, मैकेनिकल केमिकल? दोनों है सर। मैकेनिकल मैकेनिकल। ठीक है, दोनों है, मैकेनिकल और केमिकल दोनों। सुनो, हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर की। तो शायद यहाँ का दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, सुनना। जब हम लोग केमिकल की बात करते हैं ना, जब हम लोग केमिकल की बात करते हैं तो उनके में हीट एंड मास ट्रांसफर दोनों है। तो आपका हीट ट्रांसफर अलग है और मास ट्रांसफर अलग है। हीट ट्रांसफर मैं डिस्कस करूंगा और मास ट्रांसफर कोई और डिस्कस करेंगे, ठीक। और जो मैकेनिकल है उसमें केवल और केवल हीट ट्रांसफर है, तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा ही, है तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। रही बात प्रीवियस ईयर की, कि भाई मैकेनिकल और केमिकल दोनों का प्रीवियस ईयर अलग अलग आता है, क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, तो जो केमिकल है ना, जो केमिकल ब्रांच है, मैं दोनों के लिए बताता जा रहा हूँ, आप सुनते जाना। जो केमिकल है ना, उसमें हीट ट्रांसफर के जो क्वेश्चन है, एचपी के जो क्वेश्चन है, कंपेरेटिवली ईजी आते हैं। तो मैं गेट का प्रीवियस ईयर दोनों का डिस्कस करूंगा, केमिकल का और मैकेनिकल का। मैकेनिकल में सिलेबस थोड़ी सा ज्यादा है, तो जहां पर मुझे लगेगा कि मैकेनिकल को एक्स्ट्रा चीजें बतानी है, तो मैं कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा मैकेनिकल के लिए ले लूंगा, या फिर ऐसा कर लूंगा कि पर वीक 2 घंटे एक्स्ट्रा, 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा मैकेनिकल के लिए ले लूंगा। उसमें केमिकल वालों को अपन मना कर देंगे, अगर वो आना चाहते हैं अपनी शिक्षा से तो आ जाएंगे, वो अलग बात है ना। लेकिन मैकेनिकल के लिए कुछ एक्स्ट्रा करा दूंगा, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन है वो मैकेनिकल में ज्यादा अच्छे लेवल के आते हैं कंपेयर टू केमिकल, है। कवर अपन दोनों को कर लेंगे, ठीक है। सुनो, हम लोग जो हीट ट्रांसफर में बात करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्शन की, फिर हम लोग बात करेंगे लंप्ड हीट एनालिसिस की, फिर हम लोग बात करेंगे फिल्म्स की, फिर हम लोग बात करेंगे हीट एक्सचेंजर की, फिर हम लोग बात करेंगे रेडिएशन की, और फिर हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन की, ठीक। इतना सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा, कैमरा साइज कुछ प्रॉब्लम है इसमें, पूरा बोर्ड कवर ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। सुनो, हम लोग डिस्कस किस तरह से करेंगे, हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे, पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, ध्यान से सुनते जाना। पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा पहली वाली क्लास में, कंडक्शन का, कन्वेक्शन का और रेडिएशन का, कि होता क्या है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग डिटेल स्टडी में जाएंगे इस कंडक्शन की, डिटेल स्टडी में जाएंगे कन्वेक्शन की, और डिटेल स्टडी में जाएंगे रेडिएशन की, ठीक। अब मेरी बात सुनो, जो हम लोग बात करते हैं ना दोनों ब्रांच में, मैकेनिकल में और केमिकल में, दोनों ब्रांच के लिए बात कर रहा हूं मैं, जितनी बातें बोल रहा हूँ ना दोनों के लिए बोल रहा हूँ, है ना, कभी सेपरेट करके नहीं बोलूंगा, जो भी पढ़ा रहा हूँ दोनों को, है ना।
दोनों में हम लोग बात करते हैं। एक तो सब्जेक्ट आता है हीट ट्रांसफर, एक सब्जेक्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। जब हम लोग हीट ट्रांसफर की बात करते हैं ना, जब हम लोग एचटी की बात करते हैं, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? हीट की स्टडी करते हैं। ठीक, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो भी हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? हीट की स्टडी करते हैं। तो मेरा जो बेसिक सा डाउट है ना, जो मेरा बेसिक सा डाउट है, वो केवल इतना है कि अगर मुझे हीट की ही स्टडी करनी थी तो मुझे दो अलग अलग सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? भाई हीट ट्रांसफर में भी हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं? हीट की। थर्मोडायनेमिक्स में भी किसकी स्टडी कर रहे हैं? हीट की कर रहे हैं। तो अगर मुझे हीट की ही स्टडी करनी थी तो दो अलग अलग सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? या फिर डिफरेंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स में और हीट ट्रांसफर में? ठीक, सही लिख रहे हो। जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी? हीट ट्रांसफर की। जब भी हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, तो हम लोग बात करते हैं किसकी? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की। नोट मत करना, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा। जब भी हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की, और जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करेंगे या फिर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो जब भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करूंगा तो वो क्या है? हीट ट्रांसफर है, एचएमटी है, एचटी है। और जब भी मैं अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करूंगा, एक्विलिब्रियम की बात करूंगा, एनर्जी की बात करूंगा, एंट्रोपी की बात करूंगा, तो वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। याद रखना, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज थर्मोडायनेमिक्स एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज हीट ट्रांसफर। जब भी मैं वाट की बात करूंगा, वाट मतलब जूल पर सेकंड, रेट तो वो एचएमटी है। और जब भी मैं जूल की बात करूंगा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो उसमें लिख लेना एक लाइन। बेटा अभी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अभी अभी ऑन किया है, जस्ट पहली चीज लिखवा रहा हूँ ना, उसमें लिखना थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। याद रखना कि थर्मोडायनेमिक्स को कई बार साइंस ऑफ ट्रिपल ई भी बोल देते हैं, साइंस ऑफ ट्रिपल ई, एनर्जी, एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम, लिख लेना। समटाइम्स थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ ट्रिपल ई, समटाइम्स थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ ट्रिपल ई, थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ ट्रिपल ई। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखना, व्हाइल हीट ट्रांसफर इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, while heat transfer is the study of rate of heat transfer and mode of heat transfer, while heat transfer is the study of rate of heat transfer and mode of heat transfer, ठीक, while heat transfer is the study of rate of heat transfer and mode of heat transfer, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं हम लोग एक्विलिब्रियम की, एंट्रोपी की, एनर्जी की, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की, और हीट ट्रांसफर में बात करते हैं कि भैया कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या रेडिएशन है। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डाल लेना मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एक हेडिंग डाल लेना मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो पहले बोल रहा हूं एचएमटी, देखो बाकी सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे एफएम है, थर्मोडायनेमिक्स है,
बाकी सब्जेक्ट क्या होते हैं कि शुरुआत में इजी लगते हैं और बाद में हल्के डिफिकल्ट हो जाते हैं। हीट ट्रांसफर के साथ जस्ट अपोजिट है। पहले दो दिन आपको डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के पूरे डेरिवेशन कराऊंगा पहले दो दिन में। तो पहले दो दिन में आपको सब्जेक्ट थोड़ी सा डिफिकल्ट लगेगा, पहले बोल रहा हूँ धैर्य रखना थोड़ी सा। पहले दो दिन एक बार अपन डेरिवेशन कर ले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का, उसके बाद सब्जेक्ट बिल्कुल इजी है ना। एचएमटी सबसे इजी सब्जेक्ट है, बसरते दो दिन का आप लोग धैर्य रखो थोड़ी सा ना। सुनो, अगर हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंडक्शन की, सेकंड हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन की, और थर्ड हम लोग बात करेंगे रेडिएशन की। ठीक, ऐसा पहला हेडिंग डाल लेना, फर्स्ट हेडिंग डाल लेना कंडक्शन, फर्स्ट हेडिंग डाल लेना कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है? सुनो, बहुत सारे लोगों को ये धोखा होता है, बहुत सारे लोगों को ये धोखा होता है कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मुझे एक मिनट दीजिएगा, सुनो, बहुत सारे लोगों को ये धोखा होता है कि कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। बहुत सारे लोगों को धोखा होता है कि कंडक्शन जो है वो सॉलिड में ही होता है, और कंडक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि जो हीट ट्रांसफर सॉलिड में हो वो कंडक्शन है। ये सरासर गलत है, याद रखना। कोई जरूरी नहीं कि कंडक्शन सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, ये डेफिनेशन ही नहीं है कहीं से कहीं तक। कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू मीडियम व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन द मीडियम इज जीरो। मीडियम के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है और उन मीडियम के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, कंडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, मार्कर में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है ना, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है ना दोनों के बीच में, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे इस मार्कर और एयर, मार्कर और एयर के बीच में हीट ट्रांसफर पूछूं तो एयर और मार्कर और एयर के बीच में तो रिलेटिव मोशन है ना, और अगर रिलेटिव मोशन है तो वो क्या है, कन्वेक्शन। याद रखना कि जब भी दो मीडियम के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, कंडक्शन, और रिलेटिव मोशन होगी तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग डालना कंडक्शन, उसमें लिखना इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर It is the mode of heat transfer when it is the mode of heat transfer when relative motion between the medium is zero. It is the mode of heat transfer when relative motion between the medium is zero. It is the mode of heat transfer when relative motion between the medium is zero. ठीक, अब मेरी बात सुनो, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं कि जनरली कंडक्शन सॉलिड में होता है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सॉलिड में ही हो। कंडक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सुनना, हम लोग बात कर रहे हैं रेट लॉ ऑफ कंडक्शन की। या फिर फूरियर लॉ की। देखो, मामला कुछ ऐसा है कि अगर ये कोई एक सॉलिड बॉडी दे रखी है और यहां पर कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है क्यू डॉट, याद रखना हमेशा मैं क्यू डॉट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं और हीट ट्रांसफर में हम लोग हमेशा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, अमाउंट की बात नहीं करते, तो हमेशा क्यू डॉट लिखूंगा।
अगर मैं कहीं क्यू लिख भी दू ना, याद रखना वो क्यू डॉट है, क्यू नहीं है, है ना। यहां पर आपको एक दे रखा है कि ये टेम्परेचर टी वन है और यहां पर टेम्परेचर टी टू है और इसकी लेंथ एल है और इसका जो एरिया है ये वाला वो कैपिटल ए है। और मान लो कि यहां पर एक स्ट्रिप है ये स्ट्रिप डीएक्स है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस कुछ डीटी है, ठीक। तो रेट लॉ ऑफ कंडक्शन क्या है, रेट लॉ ऑफ कंडक्शन क्या है या फिर फूरियर्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द फूरियर्स लॉ एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया कौन सा है? दिस इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर। ये हीट ट्रांसफर हो रही थी डायरेक्शन में, इसका जो परपेंडिकुलर एरिया है उसकी बात कर रही है, ठीक। दूसरा, हीट ट्रांसफर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तीसरा, हीट ट्रांसफर रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर। कितनी है लेंथ है एल, ये एक्सपेरिमेंटली आया। अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्यू डॉट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया टी वन माइनस टी टू बाई एल। या फिर अगर मैं इस स्ट्रिप के लिए लिखूं, या फिर मैं इस स्ट्रिप के लिए लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्यू डॉट प्रोपोर्शनल टू एरिया डी टी अपॉन डी एक्स। इस स्ट्रिप के लिए लिखोगे तो एक प्रोपोर्शनल कॉफिशियंट आ जाएगा माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। ये क्या है आपका? फूरियर लॉ है। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं कि मैं यहां पर डॉट लिखना भूल जाता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि क्यों है, ये हर जगह क्यू डॉट है, पूरे एचएमटी में हमेशा ये क्यू डॉट है ना। ये क्या है? फूरियर लॉ। यहां पर ये जो प्रोपोर्शनल कॉफिशियंट आया ना के, ये क्या है? वेयर के क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। यूनिट क्या होगी? वाट पर मीटर केल्विन या फिर वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ऐसा, ठीक है। एक बार इतना नोट करो फिर आगे बात करते हैं। एक बार इतना नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, डन ना। सिंपल सी बात है कि जो जो रेट लॉ ऑफ कंडक्शन या फूरियर लॉ है, एक्सपेरिमेंटली मुझे पता चला कि जो हीट ट्रांसफर रेट है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। याद रखना कि जो एरिया है, स्पेशली लिख लेना आप, ये जो एरिया है वो कौन सा है? एरिया
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर. और ये जो लेंथ है ये एल, एल क्या है? एल इज द थिकनेस ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक. नोट कर रहे हो क्या बीबी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो q इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dx अपन लिखते हैं ना, ये माइनस साइन का मतलब क्या है? q इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dx लिखा है ना मैंने, तो माइनस साइन क्यों है? माइनस साइन क्यों है? सुनो, हाई टू लो. एग्जैक्टली, जो हीट ट्रांसफर है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, मतलब डिक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट में होगा. कुछ ऐसा होगा कि अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है, अगर आपको कभी ऐसा दे रखा है कि ये कोई एक बॉडी है, यहां पर टेम्परेचर T1 है और यहां पर टेम्परेचर T2 है, एंड गिवन T1 इज ग्रेटर देन T2, जो हीट ट्रांसफर है वो कुछ ऐसा होगा. हीट ट्रांसफर हमेशा डिक्रीजिंग टेम्परेचर में होगा ना भाई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में dT अपॉन dx जो स्लोप है वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा. डिक्रीजिंग टेम्परेचर डायरेक्शन, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट में हीट ट्रांसफर होगा. ये डिनोट कर रहा है क्या? निगेटिव साइन. एक बार इसको नोट कर लेना. उसमें लिख लेना नेगेटिव साइन डिनोट, उसमें लिख लेना नेगेटिव साइन डिनोट दैट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस. नेगेटिव साइन डिनोट दैट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट. नेगेटिव साइन डिनोट दैट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट. क्लियर है यहां तक? सुनो, ये आपका पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर था, कंडक्शन, जहां पर मुझे पता था कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो जो हीट ट्रांसफर होगा, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है सिस्टम के बीच में, तो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कंडक्शन होगा. आपका ये प्रश्न हो सकता है कि भाई कंडक्शन सॉलिड में आपने देखा है, लिक्विड में या गैस में भी कंडक्शन हो सकता है, हाँ या नहीं? लिक्विड या गैस में भी कंडक्शन हो सकता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बस रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, रेल की विंडो है ना. फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वॉल है वन और ये कोई वॉल है टू. दो वॉल हैं और इन दोनों के बीच में क्या है? ये कोई ट्रैप्ड एयर है. जब भी ऐसा लिखा होगा ना कि एयर ट्रैप्ड है या फ्लूड ट्रैप्ड है, अगर ट्रैप्ड लिखा है इसका मतलब ये है कि वहां रिलेटिव मोशन नहीं है. ट्रैप्ड एयर लिखा है मतलब नो रिलेटिव मोशन. और अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? कंडक्शन हो जाएगा. इसको एक बार नोट कर लेना, कंडक्शन में ही, फिर आगे बात कर. याद रखना, ये सॉलिड वॉल है, फिर कोई फ्लूड है और फिर एक सॉलिड वॉल है,
यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन होगा, क्यों? क्योंकि जो फ्लूड है वो ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड है मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, और रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो कंडक्शन होगा। हाँ, अगर ये फ्लूड मूव कर रहा होता, अगर ये फ्लूड मूव कर रहा होता, रिलेटिव मोशन हो रही होती, तो फिर कंडक्शन नहीं होता, कन्वेक्शन होता, है ना। इसको एक बार नोट करना। आज आपकी क्लास कितने बजे तक रखी थी सर ने? आज आपकी क्लास का टाइमिंग क्या बताया गया है सर ने आपको, क्या बताया है? अरे 9 बजे तक नहीं बताया होगा बेटा, ऐसी बातें मत करो। 9 बजे तक नहीं बताया होगा। ठीक है, सुनो, कुछ बता रहा है आपको टाइमिंग के बारे में, इसलिए पूछ रहा हूँ। आज आपकी जो क्लास होगी वो 7:50 या 7:30 तक होगी, 7:30 तक अपन कर लेते हैं। कल से आपकी जो क्लास होगी वो शाम में 5 बजे होगी, याद रखना। आज 6 बजे थी, कल जो क्लास होगी आपकी 5 बजे से ही होगी, तो अपन 5 से 7 कर लेंगे, 5 से 6:30 या 5 से 7, है ना। क्योंकि कुछ जनता भी ऐसी भी होगी ना कि अपन जैसे 7:30 बजे तक क्लास करेंगे, तो कुछ जनता IPL वाली भी होगी, है ना, तो उनका कुछ वो व्यस्ततम शेड्यूल IPL का चल रहा होगा, है ना, इसलिए अपन क्लास 5 से 7 रख लेंगे, है ना, 5 से 7 या 5 से 6:30। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो, सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन। एक हेडिंग डालो कन्वेक्शन। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। अच्छा, एक बात और, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। जो कन्वेक्शन है इसमें अपन 2 बातें करेंगे, जो कन्वेक्शन है इसमें हम लोग 2 बातें करेंगे। पहला, फोर्स कन्वेक्शन, और दूसरा नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन। ठीक, फोर्स कन्वेक्शन क्या है? फोर्स कन्वेक्शन वो है जब फ्लूड फ्लो होगा, याद रखना, फ्लूड अगर स्टेशनरी है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो कंडक्शन है। अगर रिलेटिव मोशन है मीडियम के बीच में, तो क्या है? कन्वेक्शन है। ठीक, तो सुनो, अगर फ्लूड फ्लो हो रहा है और फ्लूड को फ्लो कराने के लिए कोई एक्सटर्नल डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या है? फोर्स कन्वेक्शन है। और अगर फ्लूड नेचुरली फ्लो हो रहा है, कोई एक्सटर्नल डिवाइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो क्या है? नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक सॉलिड प्लेट है, यहां कोई फैन लगा हुआ है, और यहां पर कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है। इसका टेम्परेचर T इंफिनिटी है और इसका टेम्परेचर TS है। याद रखना कि जब भी मैं सराउंडिंग का टेम्परेचर दिखाऊंगा तो T इंफिनिटी से दिखाऊंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर इनफाइनाइट हो गया है। T इंफिनिटी मतलब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक, ठीक, तो अगर एक्सटर्नल डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है फ्लूड को मूव कराने के लिए, तो क्या हो जाएगा? फोर्स कन्वेक्शन। और अगर फ्लूड नेचुरली मूव कर रहा है, मान लो कि ये प्लेट है और ये कोई हॉट प्लेट है, मान लो कोई हॉट सरफेस है और इसके ऊपर कोई कोल्ड फ्लूड फ्लो हो रहा है, यहां पर कोई कोल्ड फ्लूड है जिसका टेम्परेचर T इंफिनिटी है, हॉट सरफेस है जिसका टेम्परेचर TS है। ठीक, जब भी ये फ्लूड इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, हॉट सरफेस है, जब भी ये फ्लूड इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, फ्लूड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे फ्लूड का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो फ्लूड क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। और कहां ऊपर क्या होगा? राइज होगा। तो जैसे ही फ्लूड इसके कांटेक्ट में आएगा,
फ्लूड का टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, और फ्लूड इस तरह से कुछ क्या करेगा, राइज करेगा। फ्लूड अपने टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से राइज कर रहा है, कोई एक्सटर्नल डिवाइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है फ्लूड को फ्लो कराने के लिए। तो ये क्या है, नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन। यहां पर एक्सटर्नल डिवाइस रिस्पॉन्सिबल थी, ये क्या था, फोर्स कन्वेक्शन। क्लियर है। और कन्वेक्शन क्या है कि जब भी दो मीडियम के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, तो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या है, कन्वेक्शन है। तो एक हेडिंग डालो, कन्वेक्शन। विवेक सिंह पूछ रहे हैं कि सर कैंडिंग में भी जो कैंडल है, कैंडल में भी नेचुरल कन्वेक्शन होता है क्या? बिल्कुल, कैंडल में भी जो आसपास एयर है, कैंडल में जो आसपास एयर है वो हीट होती है, डेंसिटी उसकी कम होती है और वो राइज करती है, और इसी वजह से जो कैंडल की जो लौ होती है ना वो इस तरह से फॉर्म होती है। देखो कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्म होती है ना, क्या होता है कि यहाँ पर आसपास जो एयर है ना वो इससे राइज हो, हीट होकर के राइज होती रहती है, ऐसा कुछ, इसलिए कैंडल का शेप कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है। तो एयर राइज, हीट होगी और राइज होगी। एक हेडिंग डालो, सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन, लिखना, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर when relative motion takes place between the medium. It is the mode of heat transfer when relative motion takes place between the medium. It is the mode of heat transfer when relative motion takes place between the medium. ठीक, इसको एक बार ड्रॉ करना, फिर आगे बात करते हैं। ड्रॉ कर लेना तो मुझे बता देना। डन ना, डन। उसमें लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इफ एनी एक्सटर्नल डिवाइस, इफ एनी एक्सटर्नल डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द फ्लूड, इफ एनी एक्सटर्नल डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ द फ्लूड, इफ एनी एक्सटर्नल डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ फ्लूड, इफ एनी एक्सटर्नल डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ फ्लूड, देन इट इज फोर्स कन्वेक्शन। Then it is force convection. Otherwise, natural or free convection. अब जो नेचुरल कन्वेक्शन है ना उसका फ्लूड किसके वजह से फ्लो होता है, एक डेंसिटी डिफरेंस के वजह से फ्लो होता है। तो उसमें लिख लेना इन नेचुरल कन्वेक्शन, फ्लूड फ्लोज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस ओनली। नेचुरल कन्वेक्शन फ्लूड फ्लोज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस ओनली। ठीक, दो मिनट के लिए मेरी बात सुनो। आप लोग एडवेक्शन समझते हो क्या? एडवेक्शन हाँ या नहीं? सुनो, सुनो, मामला क्या है,
अच्छा नो स्लिप कंडीशन समझते हो? नो स्लिप कंडीशन समझते हो? इससे तो चिरपरिचित हो यार आप लोग, एफएम जितने लोग पढ़ रहे होंगे मुझसे सुबह, नो स्लिप कंडीशन तो रोज ही बात करते हैं, आज ही बात किया था अपन ने नो स्लिप कंडीशन की। नो स्लिप कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई एक सॉलिड प्लेट है, अगर कोई एक सॉलिड सरफेस है और उसके ऊपर से कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर कोई सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर से फ्लूड फ्लो हो रहा है देन एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट जो रिलेटिव वेलोसिटी वो जीरो हो जाती है, यही आपका क्या है, नो स्लिप कंडीशन। अब सुनना, मैं बात कर रहा हूं कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन की, केवल सुनते जाओ नोट मत करना। मान लो कि ये कोई प्लेट है, ये कोई एक स्टेशनरी सरफेस है और यहां पर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। आपको दे रखा है कि इसका टेम्परेचर कुछ कुछ टीएस है और इस फ्लूइड का टेम्परेचर कुछ टी इन्फिनिटी है। नो स्लिप कंडीशन क्या होती है कि अगर फ्लूइड सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा देन एट द कांटेक्ट पॉइंट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब यहां पर एक लेयर होगी u इज इक्वल टू जीरो एट y इज इक्वल टू जीरो, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। u इज इक्वल टू जीरो एट y इज इक्वल टू जीरो किसके वजह से, नो स्लिप कंडीशन की वजह से। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट, y इज इक्वल टू जीरो पर एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट एक फ्लूड की लेयर है जो मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी है। और मुझे बता दो कि अगर फ्लूइड की लेयर स्टेशनरी है तो वहां पर कंडक्शन होगा या कन्वेक्शन होगा। यहां पर y इज इक्वल टू जीरो पे फ्लूइड की जो लेयर है वो मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी है ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन। और अगर स्टेशनरी है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो कंडक्शन होगा कन्वेक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, कंडक्शन होगा। यहां पर क्या होगा, कंडक्शन होगा। यहां पर जो भी हीट ट्रांसफर होगा इस सॉलिड से इस लेयर में, जो लेयर रुकी हुई है वो कंडक्शन से होगा। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर तो फ्लूइड मूव कर रहा है ना, रुका हुआ नहीं है, फ्लूइड मूव कर रहा है। और अगर फ्लूइड मूव कर रहा है मतलब क्या है, मतलब फ्लूइड का एक पार्टिकल आया यहां से, हीट लिया और मूव कर गया। फ्लूइड का दूसरा पार्टिकल आया यहां से, हीट लिया और मूव कर गया। फ्लूड का तीसरा पार्टिकल आया यहां से, हीट लिया और मूव कर गया। और इसने हीट किसी और को दे दी, उसने हीट किसी और को दे दी, और उसने हीट किसी और को दे दी। ठीक, मतलब इसके ऊपर हो क्या रहा है, फ्लूड की लेयर आ रही है, फ्लूड के पार्टिकल आ रहे हैं, हीट लेकर के जा रहे हैं, फ्लूड के लेयर आ रहे हैं, हीट लेके जा रहे हैं। मतलब इसके जस्ट ऊपर जो हीट ट्रांसफर हो रही है फ्लूड के बल्क मोशन के वजह से हो रही है। और जो फ्लूड के बल्क मोशन के वजह से हीट ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, एडवेक्शन। ठीक, अब मेरी बात सुनो अगर मैं आपसे कहता, मैं आपको ना बताता कन्वेक्शन, मैं आपसे सिंपल सी बात करता एक सॉलिड प्लेट है और इसके ऊपर फ्लूड फ्लो हो रहा है, और अगर उसके ऊपर फ्लूड फ्लो हो रहा है तो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कौन सा होगा, कंडक्शन या कन्वेक्शन। ये सब बताने के पहले अगर मैं आपसे पूछता कि एक सॉलिड प्लेट है उसके ऊपर से फ्लूड फ्लो हो रहा है, जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कौन सा होगा, कंडक्शन या कन्वेक्शन। हाँ भाई,
ऋषभ लिख रहे हैं कंडक्शन फॉलोड बाई कन्वेक्शन। नहीं बेटा, कंडक्शन फॉलोड बाई कन्वेक्शन नहीं है। ये तो आपने तब कहा ना जब मैंने आपको बता दिया कि y इज इक्वल टू जीरो पर चीजें रुकी हुई हैं, कि यहाँ पर कंडक्शन होगा क्योंकि सॉलिड लेयर रुक गई है। मैं आपको ये बताता ही नहीं, और मान लो ये आपको पता ही नहीं है, आप तो 11th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको कुछ नहीं पता एडवेक्शन, आपको नहीं पता नो स्लिप कंडीशन, आपको केवल ये पता है कि ये प्लेट है और ये फ्लूड मूव कर रहा है, आप क्या बोलते हैं कन्वेक्शन। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू जीरो पर ये रुका हुआ है, और अगर y इज इक्वल टू जीरो पर रुका हुआ है तो कंडक्शन है, और इसके ऊपर फ्लूड के बल्क मोशन की वजह से ही ट्रांसफर हो रही है वो एडवेक्शन है, और ये जो कंडक्शन और एडवेक्शन की कंबाइंड प्रोसेस है ये क्या है, कन्वेक्शन है। याद रखना, कन्वेक्शन इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड एडवेक्शन। कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर एट y इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एट y इज इक्वल टू जीरो फ्लूड लेयर इज स्टेशनरी ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन, and above the y is equal to zero the mode of heat transfer is advection, and the combined action of conduction and advection is convection। ye baat samajh mein aayi kya, haan ya nahi? ye baat samajh mein aayi kya main kya keh raha hu? y is equal to zero par layer ruk gayi hai, aur layer ruk gayi hai to conduction hoga, uske upar layer flow ho rahi hai to wo jo mass transfer ke wajah se heat transfer hoga, bulk motion ke wajah se heat transfer hoga, usko advection bolte hain। और जो कंबाइंड प्रक्रिया है y इज इक्वल टू जीरो पर कंडक्शन और इसके ऊपर एडवेक्शन की, उन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। एडवेक्शन हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि आपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी इंटरव्यू में पूछता है कि भैया एडवेक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। एक बार इसको ड्रॉ करो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं। बेटा फोर्स कन्वेक्शन में भी हो सकता है और फ्री कन्वेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि फ्री कन्वेक्शन में भी थोड़ी बहुत मूव तो कर ही रहा होगा ना। नोट कर लिया ना, उसमें लिखना एट वाई इज इक्वल टू जीरो फ्लूड लेयर इज स्टेशनरी ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन हैं Hence, mode of heat transfer will be conduction. While above this layer. While above this layer, heat transfer takes place due to the bulk motion of the fluid. While above this layer, heat transfer takes place. While above this layer, heat transfer takes place due to bulk motion of the fluid. While above this layer, heat transfer takes place due to the bulk motion of the fluid, which is known as advection. उसमें लिख लेना, combined action of conduction and advection is known as convection. Combined action of conduction and advection is known as convection. Combined action of conduction and advection is known as convection. Clear है?
सिंपल सी बात है भैया, ये y इज इक्वल टू जीरो पे एक लेयर आके रुक गई थी, और अगर आकर के रुक गई थी तो यहां पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन से होगा। इसके ऊपर क्या होगा, फ्लूड आया हीट लिया चला गया, फ्लूड आया हीट लिया चला गया। बल्क मोशन की वजह से ही ट्रांसफर हो रहा था, उसको एडवेक्शन बोलते हैं। और जो कंबाइंड प्रक्रिया है किसकी, कंडक्शन और एडवेक्शन की, वही क्या है, कन्वेक्शन। क्लियर है, एक हेडिंग डालना, रेट लॉ ऑफ कन्वेक्शन। एक हेडिंग डालना रेट लॉ ऑफ कन्वेक्शन, सुनना। मान लो कि यहां पर कोई एक प्लेट है, और आपको दे रखा है कि इसका टेम्परेचर कुछ टीएस है, आपको दे रखा है कि इसका सरफेस टेम्परेचर कुछ टीएस है, और इसके ऊपर कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है, इसका टेम्परेचर कुछ टी इंफिनिटी है, और यहां से कुछ कुछ हीट ट्रांसफर हो रही है, किसके वजह से, कन्वेक्शन के वजह से। याद रखना कि हम लोग एडवेक्शन की कभी बात नहीं करते हैं, एडवेक्शन मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए बताया कि भैया जो कन्वेक्शन है उसको अगर बारीकी से देखोगे तो कंडक्शन प्लस एडवेक्शन है, तो हम लोग एडवेक्शन वगैरह की कभी बात नहीं करते, जस्ट बताया है आपको जानकारी के लिए, है ना। यहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है किसके वजह से, कन्वेक्शन के वजह से, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, इसको रेट लॉ ऑफ कन्वेक्शन या फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग, पहला यहां पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। याद रखना ये एरिया कौन सा है, कॉन्टेक्टेड एरिया है, जिस एरिया के कॉन्टेक्ट में फ्लूड और सॉलिड आए हैं। और दूसरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यू डॉट इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू टी एस माइनस टी इंफिनिटी, और अगर ऐसा लिखा है तो एक प्रोपोर्शनल कॉफिशियंट आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यू डॉट इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इंफिनिटी। ठीक, जहां पर एच क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट, यूनिट क्या होती है इसकी, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। याद रखना यहां पर जो एरिया है, साइड का दिख रहा होगा आपको, यहां पर जो एरिया है वो कॉन्टेक्टेड एरिया है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फूरियर फ्लॉ था Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, जो फूरियर फ्लॉ इसके पहले कंडक्शन के लिए पढ़ा था Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, वहां पर जो एरिया था वो परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर था, वहां पर जो एरिया था वो परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर था, और यहां पर जो एरिया है वो कॉन्टेक्टेड एरिया है। ठीक है, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। दोनों फॉर्मूले एक्सपेरिमेंटली ही आए हैं, याद करने पड़ेंगे डायरेक्टली।
इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। एक बार इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। नोट कर लिया, सुनो ये डायरेक्टली याद रखना, ये तो एक्सपेरिमेंटली आया है, मैं बता रहा हूँ कि कोई प्रूफ नहीं इसका। Q इज इक्वल टू एच ए डी टी डायरेक्टली याद रखना, वो वाला Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स डायरेक्टली याद रखना फूरियर्स लॉ। अब मेरी बात सुनो, कॉन्टेक्टेड एरिया का मतलब, कॉन्टेक्टेड एरिया का मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक सिलेंडर है, इसको रख दिया एटमॉस्फेयर में, कन्वेक्शन हो रहा है। आपको दे रखा है कि भैया ये वाली जो लेयर है सरफेस, ये जो इंसुलेटेड है, ये जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है इंसुलेटेड है, तो कॉन्टेक्टेड एरिया कौन बचा? पेरिफेरल एरिया बचा। तो क्या हो जाएगा? पाइडियल, सिंपल। और अगर ये इंसुलेटेड नहीं है तो फिर कॉन्टेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा? ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। स्फीयर है तो कॉन्टेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा? 4πr2। प्लेट है, ये प्लेट है, एयर यहां से फ्लो रही, तो कॉन्टेक्टेड एरिया कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। नीचे से भी फ्लो रही है तो कॉन्टेक्टेड एरिया कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। तो कॉन्टेक्टेड एरिया का मतलब जिस एरिया के कॉन्टेक्ट में बॉडी और एयर आई होगी, फ्लूड आया होगा, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितने एरिया, कि कौन सा एरिया एक्सपोज है कन्वेक्शन के लिए, है ना। कैसी बातें करते हो यार, कॉन्टेक्टेड और परपेंडिकुलर एरिया कैसे सेम हो सकते हैं? सुनो, ये कोई सिलेंडर है, इसका डायमीटर d है और इसकी लेंथ एल है, कोई फ्लूड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लो हीट ट्रांसफर हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। कॉन्टेक्टेड एरिया कौन सा है? कॉन्टेक्टेड एरिया ये वाला है, पेरिफेरल। कितना? कॉन्टेक्टेड एरिया इज पाई डी एल, ठीक। परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है? परपेंडिकुलर एरिया ये वाला है, 5/4 × d². भाई कॉन्टेक्टेड एरिया और परपेंडिकुलर एरिया कैसे सेम हो सकते हैं? दोनों अलग अलग बातें हैं। ये एक मार्कर है, इसमें एयर फ्लूड फ्लो, हीट फ्लो हो रही है, परपेंडिकुलर एरिया ये है, और कॉन्टेक्टेड एरिया कोई भी हो सकता है, पेरिफेरल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। परपेंडिकुलर ही कॉन्टेक्टेड होगा, ये कैसे पॉसिबल है? पैरेलल में भी तो फ्लो हो सकती है एयर, पैरेलल वाला भी तो कॉन्टेक्टेड हो सकता है ना भाई। एयर इस बोर्ड के पैरेलल फ्लो हो रही है, पैरेलल वाला कॉन्टेक्टेड है, परपेंडिकुलर वाला है ही नहीं, सिंपल है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अच्छा ये जो H है ना, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था K, कंडक्टिविटी या कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट, और ये पढ़ा था H, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट। इनमें से H और K, इनमें से कोई प्रॉपर्टी है क्या? H या K कोई प्रॉपर्टी है क्या? के प्रॉपर्टी है, एच प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर दोनों प्रॉपर्टी हैं? एच और के, कोई के प्रॉपर्टी है, एच प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी हैं, या कोई प्रॉपर्टी नहीं है?
कुछ लोग लिख रहे हैं एच प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं के प्रॉपर्टी। सुनो, याद रखना याद रखना, के जो है के कंडक्टिविटी, दिस द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और जो एच है वो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, एच प्रॉपर्टी क्यों नहीं है वो सुनो। मान लो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप जिस रूम में बैठे हो ना, आप जिस रूम में बैठे हो वहां पर एक कप चाय लेकर के आए आप, ये कोई चाय है एक कप। दो सिचुएशन दे रहा हूं आपको, चाय ठंडी करना है, ऊपर एक लगा हुआ है फैन, ऊपर एक फैन लगा हुआ है, और आपको चाय को क्या करना है, ठंडा करोगे। एक बार फैन ऑफ है और एक बार फैन ऑन है, चाय ठंडी कब ज्यादा होगी, जल्दी होगी? चाय ठंडी कब जल्दी होगी, जब फैन ऑफ है या ऑन है? सिंपल सी बात है, जब फैन ऑन होगा, जब फैन ऑन होगा, बहुत सिंपल सी बात है, तब चाय जल्दी ठंडी होगी। और यह ठंडी किसके वजह से हो रही, कन्वेक्शन के वजह से, कंडक्शन के वजह से? तो कन्वेक्शन की वजह से हो रही, तो यहां पर कन्वेक्शन की वजह से हो रही, तो Q डॉट इज इक्वल टू एच ए डी टी। आपने जैसे ही फैन ऑन किया, तो ये ट्रांसफर रेट बढ़ गया क्या? बिल्कुल बढ़ गया। लेकिन फैन ऑन करने की वजह से ये एरिया, कॉन्टेक्टेड एरिया बढ़ा क्या? नहीं, ये नहीं बढ़ा। फैन ऑन करने की वजह से एटमॉस्फेयर का या चाय का टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर था, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हुआ क्या? नहीं, चाय उतने ही टेम्परेचर पे थी इनिशियली, और एटमॉस्फेयर भी उसी टेम्परेचर पे था, बस हीट ट्रांसफर रेट क्या हो गया था, बढ़ गया था। मतलब फैन ऑन करने की वजह से चेंज क्या हुआ, एच बढ़ गया। ये बात समझ में आई भाई? कहीं एयर रुकी हुई है, एयर रुकी हुई है तो ये ट्रांसफर रेट कम होगा, एयर फ्लो हो रही है तो ये ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। भैया बढ़ा क्या है? जैसे एयर फ्लो होने लग गई तो एच चेंज हो गया। मतलब जो एच है वो फ्लूड के फ्लो के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। जो एच है वो फ्लूड के फ्लो के बिहेवियर पे, उसकी विस्कोसिटी पे, उसकी डेंसिटी पे, उसके टेम्परेचर पे, वो लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कौन, एच। और अगर एच इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बात समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं? बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूं? उसमें लिख लेना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, कंडक्टिविटी के, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, कंडक्टिविटी के इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी के इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी की इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हाइल कंडक्टिविटी की इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हाइल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एच व्हाइल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एच व्हाइल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एच डिपेंड ऑन द डिपेंड on the behavior of the fluid, depend on the behavior of the fluid flow, depend on the behavior of the fluid flow. ठीक है, तो याद रखना K is the property while H depend on the flow characteristic. ऋतिक लिख रहे हैं सर लेकिन थर्मल क्या लिखना चाह रहे हो बेटा, थर्मल के आगे क्या लिखना चाह रहे हो सर, लेकिन थर्मल उसके आगे? सर वो थर्मल कंडक्टिविटी भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर रेडिएशन
रेडिएशन क्या है, जब भी मुझे हीट ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता ना हो तो वो क्या है, रेडिएशन है। शुरुआत से बात करते हैं कंडक्शन, दो मीडियम के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है और रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या है, कंडक्शन है। दो मीडियम के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है और रिलेटिव मोशन है तो क्या है, कन्वेक्शन है। और दो सिस्टम के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है और मीडियम की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इवन वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, वो क्या है, रेडिएशन। याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि रेडिएशन वैक्यूम में हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्यूम में ही हो सकता है, अगर वैक्यूम नहीं है तो भी हो सकता है, मतलब आपके रूम में भी रेडिएशन हो रहा है, वैक्यूम में भी हो सकता है, बिकॉज रेडिएशन के लिए कभी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, और रेडिएशन होता है किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से। तो उसमें लिख लेना, रिसर्व लिख रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑन द मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर नहीं। रिसर्व लिख रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑन मटेरियल की नेचर पर डिपेंड है, टेम्परेचर पर नहीं। जितिक जी बेटा गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिहेवियर पे नहीं करता। थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आगे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ना, थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। ठीक, सुनो सुनो, कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा, आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा टेम्परेचर में किस तरह से चेंज होता है और क्यों चेंज होता है ना। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सारी चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी, थोड़ी सा धैर्य रखो है ना। मेरी आदत है कि मैं चीजों को थोड़ी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करता हूँ है ना, तो अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो लोग एफएम पढ़ रहे हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, अपन न्यूमेरिकल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितनी थ्योरी को दे रहे हैं, लेकिन थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल है ना। एक हेडिंग डालो रेडिएशन, लिखना, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर इन ए मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक, उसमें लिखना, नेक्स्ट लाइन में, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सुनो, ठीक, जो यहां पर हम लोग बात करते हैं, अपन बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है एरिया के, और ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पावर 4 के, तो मैं लिख सकता हूँ Q डॉट इज इक्वल प्रपोर्शनल टू एरिया इंटू टी के पावर 4, और अगर प्रपोर्शनल कोफिशियंट लिखूं तो आता है सिग्मा ए टी के पावर 4। वेयर सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट, ठीक, और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा की 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर के पावर 4 केल्विन, सॉरी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4। इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, इसको और सिग्मा की वैल्यू को, है ना। आशीष लिख रहे हैं कि फिर तो हर जगह कन्वेक्शन भी होगा और रेडिएशन भी होगा एक साथ, हाँ किसने मना किया है, मैं तो कह रहा हूँ कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन एडवेक्शन सब एक साथ हो सकता है ना। कोई जरूरी नहीं कि एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है तो दूसरा नहीं होगा। आपके रूम में एयर है
एयर फ्लो हो रही है मतलब कन्वेक्शन भी हो रहा है, एयर y इज इक्वल टू जीरो पे रुकी भी है नो स्लिप कंडीशन पे, कंडक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन तो हो ही रहा है ना। हाँ भाई नोट कर पाए क्या इसको? ठीक, जब हम लोगों ने फूरियर प्लॉट की बात की थी ना, Q इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन df, वहां पर एरिया कौन सा था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर। जब हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात की थी ना, Q इज इक्वल टू hadt, वहां एरिया कौन सा था? कॉन्टेक्टेड एरिया। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए टी के पावर 4, यहां एरिया कौन सा है मैं नहीं लिखवा रहा हूं डायरेक्टली, जब हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं आपको बताऊंगा कि एरिया कौन सा है। ये बहुत स्पेशल केस है, बात करेंगे कि एरिया कौन सा है जब रेडिएशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब सुनो, अभी तक हम लोगों ने किया क्या है? कुछ भी नहीं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है क्या। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडक्शन की डिटेल में, फिर कंडक्शन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, फॉर एग्जाम्पल लम्ब्ड हीट एनालिसिस, फॉर एग्जाम्पल फिन्स और हीट एक्सचेंजर, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? रेडिएशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और आगे हम लोग कंडक्शन डिटेल में शुरू करते हैं कल, है ना। यहां तक कोई डाउट हो, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे रोज क्लास होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे संबंधित कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। कल से आपका जो टाइमिंग होगा वो 5 PM होगा, याद रखना 5 PM है ना कल से। कोई भी डाउट हो आपको क्लास से रिलेटेड, है ना, कैसे अपन डिस्कस करेंगे। एचएमटी की एक PDF है, आप लोगों को शायद मेल मिल गया होगा या फिर कुछ मिल गया होगा जैसे प्रीवियस ईयर आप लोगों को मिल गया होगा, केमिकल और मैकेनिकल वालों को, दोनों को। ठीक, अब रही बात की और प्रैक्टिस सेट और क्या करना है, तो एचएमटी की एक प्रैक्टिस सेट है, एक कन्वेंशनल है पूरा, वो मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम वाला ग्रुप आप सब लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में आपको एचएमटी की PDF मिल जाएगी, उस PDF में करीब 100-150 क्वेश्चन है, उनसे आप सॉल्व करते रहना, है ना, उतने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जानी है ना। हाँ क्वेश्चन उसमें जो HMT की PDF है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैकेनिकल के लिए वो रिलेवेंट है, केमिकल वाले भी कर सकते हैं ना, केमिकल वाले कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, मैकेनिकल वालों को करना ही करना है, कंपलसरी है ना। मेल नहीं आता, टेलीग्राम चैनल की लिंक भेज दीजिए, मेरे पास भी नहीं आया सर मेल, देयर इज नो टेलीग्राम लिंक सेंड। अच्छा कोई मैकेनिकल वाली जनता है यहाँ पर? जो मैकेनिकल वाले लोग हैं एक बार टेलीग्राम वाले ग्रुप की लिंक सेंड कर देना यहाँ पर, जो मैकेनिकल वाले लोग हैं जो टेलीग्राम वाले ग्रुप की एक लिंक सेंड कर देना। ठीक है, मेल नहीं मिला है तो आप लोगों को मिल जाएगा, केमिकल वालों को भी मैकेनिकल वालों को भी, है ना, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर मिल जाएगा उसमें और क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे पूरे, तो आप लोग अपन उसी से डिस्कस कर लेंगे ना। और केमिकल का तो अपन पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल का जो एक्सक्लूसिव है कुछ अलग है, कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं मैकेनिकल में, तो उसको हम लोग, मैं बता चुका हूँ, 2-3-4-5 घंटे की 10 घंटे की जो भी होगी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कर लेंगे। ठीक है, श्रेय पूछ रहे हैं कि रिकमेंडेड बुक फॉर द हीट ट्रांसफर फॉर केमिकल। बेटा केमिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए बुक बता रहा हूँ, है ना। पहली बुक है सेंजल एंड सिम्बाला या फिर यूसुफ जे सेंजल, दूसरा है जेपी होलमैन, तीसरी है आप लोगों की फेवरेट पीके नाग, है ना। लेकिन मैं आपसे फिर भी बोलूंगा कि तीनों में से अगर आप पढ़ना चाहो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अगर आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना चाहो तो जेपी होलमैन परचेज कर लेना, एचएमटी की सबसे अच्छी बुक है। लेकिन जितनी मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ और जितने मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करूंगा उसके बाद आपको बुक की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो बुक मत ही खरीदना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक आप पढ़ोगे भी नहीं, जितना मैं आपको थ्योरी और जितना न्यूमेरिकल कराऊंगा बुक की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए क्रॉस चेक करने के लिए खरीदना चाहो तो जेपी होलमैन खरीद सकते हो ना, अच्छी है। ठीक है, ठीक है, अपन मिलते हैं कल कितने बजे? कल अपन मिलते हैं 5 बजे और अपन कंटिन्यू करेंगे, टाइमिंग मैं पूछ लूंगा कि 5 से 6:30 है या 5 से 7 है ना।
ठीक है, तो एक दो दिन अपने डेरिवेशन वगैरह चलेंगे और दो तीन दिन डेरिवेशन करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। हाँ सेम लिंक रहेगी, सबको सेम रहेगा। आज एक्चुअली पहली क्लास थी इसलिए अपन मैं आपको बाकी चीजें बता रहा था, और कल से अपन समय पे शुरू करेंगे और दो घंटे क्लास रखेंगे ना, सेम लिंक होगी। पांच बजे होगी कल, 5 बजे है ना।